नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां रईस खान नाम के युवक ने कोरोना वायरस से चल रही लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनाई है। यह सैनिटाइजर मशीन को देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। रईस खान ने अपनी टीम के साथ इस मशीन को सागंज के सबरद गांव स्थित शेल्टर होम में डॉक्टरों, पुलिस और मरीजों के लिए दान करने की इच्छा जताई है। इस पर मशीन की अच्छे से जांच करने के बाद इसे लगाने की अनुमति दे दी गई। दरअसल पेशे से रईस खान एक समाजसेवी हैं। उन्होंने इटली के खबर में यूट्यूब पर एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन देखी तो उसे बनाने का ख्वाब आया। रईस खान ने अपनी मेहनत से 24 घंटे में ही फुल बॉडी ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनाकर तैयार कर ली। इस सैनिटाइजर मशीन की खासियत यह है कि इसके अंदर पैर रखते ही 5 अलग अलग एंगल से व्यक्ति पर सैनिटाइजर केमिकल की फुहारें गिरती हैं। यह मशीन मात्र 3 सेकेंड में अंदर मौजूद शख्स को पूरी तरह से सैनिटाइज कर देती है। जैसे ही अंदर मौजूद व्यक्ति बाहर निकलता है, मशीन अपने आप बंद हो जाती है। आप देख रहे हैं जौनपुर से सुशील तिवारी की रिपोर्ट। आपने मशीन बनाई है, क्या उद्देश्य था इस मशीन का? मशीन का उद्देश्य है लोगों को सैनिटाइज करना। जो लोग कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं, जैसे हमारे पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ शेल्टर होम में बराबर उनका आना जाना लग रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग भी बाहर से आ रहे हैं वो पूरी तरह से सैनिटाइज हो करके तब अंदर जाएं। क्या कीमत थी और किस तरह ये मशीन आपने बनाया है? इस मशीन में लगभग 1,15,000 रुपये खर्च हुए हैं इसको बनाने में, और ये 24 घंटे में बन करके तैयार हुई है। क्या क्या लगा है इसमें, किस तरह का मटेरियल है इसमें? एक तो मोटर लगी हुई है 500 उसकी, और 1000 वाट का इन्वर्टर लगा हुआ है जिससे ये ऑपरेट हो रही है। क्योंकि जिस जगह पर हम हैं यहाँ पर प्रॉपर करंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमें इन्वर्टर का सहारा लेना पड़ा कि एक एग्जैक्ट करंट लेने के लिए। एक वाटर टैंक 500 लीटर की हमने लगा रखी है बगल में, जिसमें हम 500 लीटर के हिसाब से उसमें सैनिटाइजिंग लिक्विड जो है जो डालना है वो डालते हैं उसके रेशियो के हिसाब से। कौन सी लिक्विड है, किस तरह से? वो हमारे छोटे भाई हैं नफीस, जो नफीस अहमद, जो मेरा नाम रईस अहमद खान है, जो कि रैनबैक्सी में कई वर्षों का उनका एक्सपीरियंस रहा, वो लैब में काम करते थे, तो उनकी मदद से जो है उस केमिकल को मैंने वहाँ डाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये ऑटो सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, ये सेंट डेविड स्कूल के प्रबंधक श्री रईस खान की तरफ से लगाया गया है। तहसील प्रशासन उनका बहुत धन्यवाद उनको देता है। जहाँ तक मैसेज की बात है, सभी जो भी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, पुलिस के लोग लगे हुए हैं, मीडिया के लोग अक्सर आते हैं यहाँ पे, तो सबके मन में एक अनजाना भय है कि कोरोना COVID-19 का जो वायरस है उससे हम लोग भी कहीं ग्रसित ना हो जाए। तो जो भी लोग बाहर से आएंगे वो इस ऑटो सैनिटाइजिंग जोन से होकर अंदर जाएंगे, फिर वो जब आएंगे वापस तो दो बार वो ऑटो सैनिटाइज होंगे। इससे जो संक्रमित होने की संभावना है वो न्यून हो जाएगी और उनके मन में एक विशेष किस्म का आत्मविश्वास जगेगा, और ज़्यादा विश्वास के साथ वो जो यहाँ पे शेल्टर होम में रखे गए लोग हैं उनकी देख रेख कर पाएंगे, जो शासन की नीतियाँ हैं उसके तहत काम कर पाएंगे। सर, कोरोना को हराने के लिए पूरा देश एकजुट है, आप लोग क्या अपील करते हैं लॉकडाउन को लेकर? मैं लॉकडाउन को लेकर सभी सम्मानित नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि वो लॉकडाउन में जो WHO और भारत सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करें। अधिक से अधिक समय वो घर के अंदर अपने परिजनों के साथ वक्त गुजारें, खुद को सुरक्षित रखें, परिजनों को सुरक्षित रखें, समाज और देश को सुरक्षित रखने में अपना रचनात्मक योगदान दें। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर ना आए, यदि बहुत आवश्यक हो तो परिवार का सिर्फ एक सदस्य बाहर आके काम करें। इस ढंग से भी देश की सेवा की जा सकती है, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।